सो गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में देखा। हम लोगों ने बेसिक्स को समझा रेगुलर एक्सप्रेशंस के क्या होता है, किस तरह हम लोग यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ मेटा कैरेक्टर सिंबल्स के बारे में, और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे और पास से देखेंगे, और ये देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल 47.js नामक फाइल बनाऊंगा, और मैं js फोल्डर में बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा पहले, और मैं यहाँ पर tut47.js नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा, और उसी के साथ साथ मैं website.html वाली फ़ाइल में भी इसको इंक्लूड कर लूँगा, क्योंकि अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया तब पुरानी वाली स्क्रिप्ट जो है ये लिंक रहेगी इससे, और ये मैं चाहता नहीं हूँ। राइट क्लिक करके मैं ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लूँगा, उससे होगा ये कि मेरा ये लाइव सर्वर में खुल जाएगा, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल को भी खोल लूँगा। ऐसा करने से मेरा कंसोल खुल जाएगा। इस tut46.js को बंद करते हुए मैं tut47 वाले में लिखूँगा console.log this is tutorial 47, ठीक है, और ये मैं सेव कर दूँगा और मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूँगा। और इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर दिस इज ट्यूटोरियल 47 लिखकर आ गया है, ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, अगर 46 वाली फाइल को मैं खोल के दिखाऊँ आप लोगों को, तो आप लोग देखो हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि re.exec क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, मैच क्या होता है, उसी के साथ साथ सर्च फंक्शन को देखा था, फिर रिप्लेस फंक्शन को भी देखा था। ये 5 फंक्शंस देखे थे। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मेटा कैरेक्टर सिंबल्स के बारे में देखेंगे, और ये मेटा कैरेक्टर सिंबल्स क्या होते हैं ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर रेजेक्स लिख लूँगा, इनफैक्ट मैं यहाँ पर लेट भी लिख दूंगा। मैं कहूँगा जो मेरा रेजेक्स है उसको बराबर कर दो किसके, हैरी के बराबर कर दो उसको। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम कुछ भी लिखते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल होता है हमारा, और जिस तरह स्ट्रिंग लिटरल होता है हमारा उसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल भी होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा रेजेक्स इज इक्वल टू मैंने स्लैश हैरी स्लैश लिख दिया। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कुछ मेटा कैरेक्टर सिंबल्स के बारे में बात करूँगा, यानी कि जो रेजेक्स है इसको चेंज करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग सबसे पहले बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन स्ट्रिंग लिख दूँगा, str लिख दूँगा शॉर्ट में, और उसी के साथ साथ मैं लिख दूँगा हैरी इज़ द गुड बॉय एंड हैरी इज़ कोड विद हैरी, ठीक है। अब मुझे मालूम है थोड़ा सा रैंडम है, कुछ भी लिख दिया है मैंने, बट अगेन मुझे कुछ 2-3 हैरी चाहिए थे स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए मैंने ये स्ट्रिंग बनाई है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रिज़ल्ट लिख दूँगा, और मैं कहूँगा रिज़ल्ट को आप करें re.exec और उसी के साथ साथ str, ठीक है। और क्योंकि ये मेरा रेजेक्स है इसलिए मैं यहाँ पर रेजेक्स लिखूँगा, कंट्रोल एस करूँगा सेव करने के लिए, और उसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा दि रिज़ल्ट फ्रॉम एग्जैक इज, और उसी के साथ साथ मैं कॉमा लगा के यहाँ पर रिज़ल्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एग्जैक का जो रिज़ल्ट है वो दे देगा। अब एग्जैक का क्या रिज़ल्ट होता है ये आप सबको मालूम ही है, ये हमको एक एरे देता है जिसके अंदर आपका जो मैच होता है वो होता है, इनपुट होता है, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, और वो एक और चीज़ क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगा के लिखूँ, इफ़ रेजेक्स डॉट टेस्ट, यानी कि अगर आपका ये str में रेगुलर एक्सप्रेशन मैच खाता है तब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और लिखेंगे द स्ट्रिंग मैचेस द एक्सप्रेशन। इनफैक्ट क्या करता हूँ मैं बैकटिक्स लगा के यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल इस तरह से बनाता हूँ, और मैं करूँगा क्या, जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर लिख दूँगा डॉलर लगा के, मैं कहूँगा डॉलर और फिर str, ये मैच करता है कौन सा एक्सप्रेशन, मैं डॉलर लगाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा रेजेक्स डॉट सोर्स। अब डॉट सोर्स क्या करता है, डॉट सोर्स हमको ये दे देगा हैरी यहाँ पर। तो इसके बाद मैं एल्स लिखूँगा और मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके लिख दूँगा कि ये मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो कंट्रोल डी करके इस लाइन को नीचे मूव कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डज नॉट मैचेस, ठीक है, डज नॉट मैच द एक्सप्रेशन, ठीक है, कंट्रोल एस। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इज़ अ गुड बॉय एंड हैरी इज़ गुड विद हैरी मैचेस द एक्सप्रेशन, यानी कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में मैच कर रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर मान लो ये डाल दिया इस तरह से और कंट्रोल एस कर दिया सेव, ये देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये कह रहा है डज नॉट मैचेस, तो डज नॉट मैच द एक्सप्रेशन ये, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गई चीज़ आप लोगों को कि मैच अगर करेगा तो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिलेगा, वरना मुझे क्या देखने को मिलेगा, वरना डज़ नॉट मैच देखने को मिलेगा। स्ट्रिंग को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हैरी इज़ हैरी कर देता हूँ स्ट्रिंग को,
और देखो यहाँ पर थोड़ा छोटा करने से एक मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग ज़्यादा नहीं देखनी पड़ गई, ठीक है, तो डज नॉट मैच द एक्सप्रेशन ये। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मेटा कैरेक्टर सिंबल्स को, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट्स लुक इनटू सम मेटा कैरेक्टर सिंबल्स, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पर कंट्रोल स्लैश करके इसको कमेंट आउट कर देना है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रजेक्स को अपडेट करता जाऊँगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बार मैं यहाँ पर लिखूँगा एक कैरेट लगाऊंगा। कैरेट सिंबल क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टार्ट्स विद। अगर मैं यहाँ पर कैरेट एच लगा दूँ, इसका मतलब हुआ स्टार्ट्स विद एच, या फिर स्टार्ट्स विद एच ए। तो अगर मैं इस तरह कर दूँ कैरेट एच, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग हैरी इज हैरी मैच इज एक्सप्रेशन कैरेट एच। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैरेट एच ए आर आर कर दूँ, तब भी तो ये स्टार्ट हो रही है मेरी जो एच ए आर आर से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही है ये देखना पड़ेगा हमको। एच ए आर आर से ये वाली स्ट्रिंग जो हमारी एस टी आर ये मैच हो रही है, इसलिए होगा क्या, क्योंकि एच ए आर आर से मेरी स्ट्रिंग, देखो ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ये तो ओवर राइट हो चुका है यहाँ पर लाइन नंबर 5 में। तो इसीलिए ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा, ये स्ट्रिंग में मैच खाएगा। तो एच ए आर आर से अगर स्टार्ट हो रही है मेरी स्ट्रिंग, तो मुझे मैच मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। देखो एच ए आर आर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर मैच मिलेगा। तो ये कह रहा है कि मैच इज़ द एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख दूँ, डी सी लिख दूँ, स्टार्ट्स विथ एच ए आर आर डी सी, तो ये एच ए आर आर डी सी से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, डज़ नॉट मैच द एक्सप्रेशन लिख कर आ गया, और मेरा जो रिजल्ट फ्रॉम एग्जैक है ये नल आ गया। तब आप लोगों को समझ में अब आ गया है कि किस तरह ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो कैरेट है मीन्स स्टार्ट्स विद, ठीक है, मीन्स एक्सप्रेशन विल मैच इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में मैं छोटे रखूँगा थोड़े से जो कमेंट है, तो ताकि आप लोग को सिर्फ समझ में आ जाए। अब मैं आप लोगों को एक और मेटा कैरेक्टर सिंबल के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो मेरा क्या है, एंड्स विद। एंड्स विद में क्या होता है कि जिस तरह हमने यहाँ पर शुरू में कैरेट लगा दिया अपने एक्सप्रेशन के, उसमें हम क्या करते हैं, बाद में डॉलर लगा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आर वाई डॉलर लगा दूँ, तो ये मैच हो जाएगा। क्यों मैच हो जाएगा ये, क्योंकि आर वाई से मेरी स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर सेमी कोलन लगा के कंट्रोल एस करके लेकर जाना चाहूँ आप लोगों को यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है मैच हो चुका है, आर वाई डॉलर मैच हो गया है आपका, और ये आर वाई आपका मैच खाया है, जो एक्सप्रेशन जो मैच हुआ है आपका वो आर वाई है। देखो आर वाई से एंड हो रहा है मेरा, तो यहाँ पर ये मैच कर लिया इसने, ठीक है। अगर मैं आर वाई वाई कर लूँ, तब ये मैच नहीं होगा, क्योंकि आर वाई वाई से मेरी स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है। तो अगर मैं अभी आपको लेकर जाऊं, तो ये नल रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो एंड नहीं हो रही है आर वाई वाई में। लेकिन अगर मैं हैरी डॉलर लिख दूं, तो इसके एंड में क्योंकि हैरी है पूरा, तो ये मैच हो जाएगा, इसलिए ये मुझे हैरी को मैच करा के दे देगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉलर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स एंड्स विद, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग अगर एंड हो रही है, स्ट्रिंग एंड्स विद, इसका मतलब ये हुआ कि हैरी से स्ट्रिंग मेरी ये वाली एंड हो रही है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यार क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आप लोगों को। चलो जी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह लिख दूँ, हैरी और स्लैश करके सेमी कोलन लगाकर सेव करूँ, तब ऑब्वियसली ये तो मैच कर ही जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी स्ट्रिंग थी थी। तो यहाँ पर आप देखो ये मैच तो खाई गया है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ एच डॉट, तो डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि इसमें एक कोई भी कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर आएगा, तो ये मैच खा जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, तो डॉट का मतलब क्या होता है, मैचेज एनी वन कैरेक्टर, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखो, स्ट्रिंग हैरी इज हैरी मैचेज द एक्सप्रेशन एच डॉट आर आर वाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए डी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और अब मैं इसको सेव करूँ, तब ये कहाँ पर मैच करेगा, तब ये मैच करेगा यहाँ पर आके। लेकिन अगर यहाँ पर भी मैं इस हैरी को मिटा देता हूँ, यानी कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर कर देता हूँ यहाँ पर एच के बाद, ए डी आर आर वाई कर दिया अगर मैंने, तभी मैच नहीं होगा, नल मुझे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉट का मतलब होता है एग्जैक्टली वन कैरेक्टर, आपका एक कैरेक्टर बस मैच होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये डॉट आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मुझे ज़ीरो और मोर कैरेक्टर मैच कराने हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको मैच कराना चाहता हूँ यहाँ पर, कि मैं एच और आर आर वाई के बीच में कुछ भी लिख दूँ, कितने भी कैरेक्टर्स, यानी अगर मैं ये भी कर दूँ तो भी मैच हो जाए, और मैं अगर यहाँ पर कुछ ना भी लिखूँ तब भी मैच हो जाए, तब मैं क्या करूँगा, तब मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैचेस एनी ज़ीरो और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, स्टार लगाना पड़ेगा। स्टार का क्या मतलब है, मैचेस एनी
जीरो और मोर कैरेक्टर्स। तो अगर मैं अभी यहाँ पर इसको मैच कराऊंगा तो देखो यहाँ पर एच आर आर वाई मैच हो गया है। अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में एच आर आर वाई के बीच में कुछ ये लिख दूँ तब भी ये मैच हो जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ये मैच हो गया, आर आर वाई यहाँ पर आके ये देखो मैच हो गया है, ये इज़ एच ए डी आर आर वाई। तो यहाँ पर एच और आर आर वाई के बीच में जीरो और मोर कैरेक्टर्स थे। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ ना तब भी मैच हो जाएगा, तो ये यहीं पर आके मैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये आर आर वाई यहाँ पर आके मैच हो चुका है, और ये इसलिए हुआ है मैच क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ था, और स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर कैरेक्टर। इसको मैं वापस से हैरी बना देता हूँ, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे एक अगला हमारा मेटा कैरेक्टर सिंबल जो कि होता है ऑप्शनल कैरेक्टर। तो अगर मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि एच के बाद आप डाल दो ए, लेकिन वो ऑप्शनल है, और हैरी के बाद आप डाल दो आई, और वो भी ऑप्शनल है। तो आई के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि आई ऑप्शनल है, ए भी ऑप्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को कुछ इस तरह कर दूँ, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को एच ए आर आर वाई कर दूँ, तो ए ऑप्शनल है, आई भी ऑप्शनल है, तो ये मैच कर जाएगा। तो देखो कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर ये मैच कर गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एच ए के बाद ए को ना भी लगाऊँ, क्योंकि ए ऑप्शनल है, ए ना भी लगाऊँ, तब भी मेरा ये एच आर आर वाई मैच हो जाएगा, क्योंकि ए मेरा ऑप्शनल है, तो एच आर आर वाई मैच हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक आई भी ऑप्शनल है, तो अगर मैं यहाँ पर आई लगा भी देता हूँ तब भी ये मैच हो जाएगा, क्योंकि आई ऑप्शनल है। तो देखो यहाँ पर ये मैच हो गया। लेकिन अगर आई की जगह मैं जे लगा दूँ, अगर मैं आई की जगह जे लगा दूँ तब जे ऑप्शनल नहीं है। मैंने ये बोला है यहाँ पर कि यहाँ पर एच हो, यहाँ पर ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए के बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर ए नहीं है, चलेगा। उसके बाद आर होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद आर होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद वाई होना चाहिए, वो भी है। उसके बाद आई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी मैं इस एक्सप्रेशन को मैच करूँगा तो ये मैच ज़रूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये मैच इसलिए होगा क्योंकि एच आर आर वाई ये इतनी स्ट्रिंग से मैच हो जाएगा, ये क्योंकि आई ऑप्शनल है, तो इतना पार्ट जो है ये मैच हो जाएगा इससे। तो ये जो पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरा, ये मैच हो जाएगा मेरा इतने पार्ट से। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया टी, मान लो मैंने यहाँ पर टी लगा दिया बाद में, टी ऑप्शनल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर टी लगा देता हूँ तो मैंने आई की जगह यहाँ पर जे लिख दिया, देखो तो ये मैच नहीं होगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, ले जाकर नल आएगा, मेरे पास नल आ चुका है। क्यों आया नल? क्योंकि इसने कहा कि आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में एच है, क्या आपके स्ट्रिंग में कहीं एच है? हाँ यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है एच। उसके बाद ए ऑप्शनल है, ए नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शनल था वैसे भी ए। आर आर वाई है, तो ये कहेगा ठीक है जी आर आर वाई है, आर आर वाई यहाँ पर ये देखो आ गया, आर आर वाई ये मैच हुआ। उसके बाद आई ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर तो जे आ गया, आई ऑप्शनल है, और उसके बाद टी है, लेकिन यहाँ पर जे और टी है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो इस तरह आप लोगों का जो ऑप्शनल कैरेक्टर है वो इस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, सॉरी मैं यहाँ पर लिखना चाहिए क्वेश्चन मार्क आफ्टर कैरेक्टर मीन्स दैट कैरेक्टर इज ऑप्शनल। ठीक है, एकदम क्लियर। अब एक और आप लोगों को दिखाता हूँ, और वो है एस्केप कैरेक्टर। अब आप लोग कहोगे हरी भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपने लगा कर दिखाया, स्टार लगा कर दिखाया। अगर मैं एक्चुअल में इस चीज़ को मैच करना चाहता हूँ हैरी स्टार को, तो ये जीरो और मोर कैरेक्टर समझ बैठेगा मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार की जगह। तो अगर मैं हैरी स्टार कुछ इस तरह से इसको मैच करूँगा, या फिर एच स्टार आर आर वाई को मैच करूँ, अगर मैं कुछ इस तरह यहाँ से हटा देता हूँ स्टार, और ये मेरा मैच हो भी रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैरी मीन्स कोड विद, और उसके बाद कंट्रोल एस करता हूँ सेव करने के लिए। और यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक्चुअल में एच स्टार आर आर वाई को मैच करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है एच स्टार आर आर वाई, तो यहाँ पर स्टार को ये क्या समझ बैठेगा, ये समझ बैठेगा कोई ऑप्शनल कैरेक्टर। तो मैं क्योंकि एच स्टार आर आर वाई को मैच करना चाहता था, तो अभी तो मैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टार का मतलब ऑप्शनल कैरेक्टर है और यहाँ पर स्टार है, तो अभी तो ये मैच हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एच ए आर आर वाई लिख दिया तब भी मैच हो जाएगा। तब आप लोग बोलोगे अभी क्यों मैच हो गया, मैं तो चाहता था अगर एग्जैक्ट एच स्टार आर आर वाई होता तभी मैच मुझे चाहिए था, ये क्या हो गया? तो आप लोग क्या करो, उसको एस्केप कर दो, यानी कि ऐसे बैक स्लैश लगा दो। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से बैक स्लैश लगा दिया, मैंने गलती से अभी फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया था, तो याद रखना बैक स्लैश होता है आपकी एंटर की के ऊपर और बैक स्पेस के लेफ्ट में, तो वो वाली की दबा के आप लोगों को एस्केप करना है। तो बैक स्लैश स्टार अगर आप लोग लगाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर स्टार एक मेटा कैरेक्टर सिंबल के तौर पर बात नहीं कर रहे हो, आप स्टार यहां पर एक्चुअल वाला जो स्टार है उसकी बात कर रहे हो। तो बैक स्लैश लगा के एस्केप करेंगे, अब यहां पर ये मैच नहीं करेगा। अब देखो नल मिलेगा देखने को, मुझे यहां पर नल नहीं मिल रहा देखने को, लगता है मैंने सेव नहीं किया।
हाँ मैंने सेव नहीं किया, मैं सेव करूँगा और ये देखो नल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि यहाँ पर स्टार अगर मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर स्टार की जगह बैक स्लैश स्टार लिख दूंगा। उससे मैं अपने जावास्क्रिप्ट इंजन को ये बता पाऊँगा कि भाई यहाँ पर मैं स्टार का मतलब ये नहीं है कि कोई मेटा कैरेक्टर सिंबल या फिर आप जीरो और मोर कैरेक्टर्स को मैच करने बैठ जाओ, आप यहाँ पर लिटरली स्टार को मैच करोगे। अगर यहाँ पर एच स्टार आर आर वाई है तब मुझे मैच मिलना चाहिए, वरना मुझे मैच नहीं मिलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से अगर मैं मैच कराना चाहता हूँ तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर बैक स्लैश करके इसको एस्केप कर दूंगा। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अब तक। गैस अगर आप लोगों ने अभी तक ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है और आप ये कोर्स देख रहे हैं बिना प्लेलिस्ट को एक्सेस किए, काइंडली आप एक्सेस कर लें प्लेलिस्ट को, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ और सारे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर अपलोड करूँगा मैं। और अगर आप लोगों के पास यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ होंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा इस वीडियो सीरीज़ को देखने का। उसी के साथ साथ मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में, लोग कुछ पूछते हैं बिना वीडियोज़ को देखे, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये फंक्शन बताओ वो फंक्शन बताओ, और वो फंक्शन मैंने ऑलरेडी अपने इस वीडियो में बताया होता है स्ट्रिंग वाले में या फिर कहीं और मैंने बताया होता है। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों को वीडियो नंबर देख के रिडायरेक्ट करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि एक एक कमेंट में मैंने क्या चीज़ कहाँ बताई थी ये देखकर मैं फिर वीडियो में आऊँ और फिर उसके बाद उसको ढूंढूँ मैंने कहाँ बताया था और फिर आप लोग को रिप्लाई करूँ कॉमेंट का। इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग खुद ही इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और आराम से टाइम लेके इसको देखें, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि जितना टाइम आपको लगेगा इसको देखने में उससे ज़्यादा ही आप लोग सीखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मैंने काफ़ी टाइम में सीखी हैं और इसको मैंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक कोर्स में एक प्लेलिस्ट में लाकर रखा है। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस पूछें, ज़रूर पूछें क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या होता है, जबकि मेरे पास एक वीडियो है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का ऑलरेडी, आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को, और आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क करेंगे और सेव भी कर लेंगे, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं सब समझ में आ गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.